वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ टॉक आई नो हम सेम से कम आ, so, से ज़्यादा टाइम हो गया हमने कोई सिमरन टॉक का सेशन नहीं करा था आई एम रियली सॉरी और मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स भी देखे थे कि दीदी आपने सिमरन टॉक सेशन क्यों नहीं कंडक्ट करा है तो गाइज uh, मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज क्रिएट कर रही थी जैसे कि आज आपको पता चल ही गया होगा मैं इतने समय से ज्यादा वीडियोज इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई वॉन्टेड कि पहले मैं आप लोगों का रिविजन बचेज रेडी कर लूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वीडियो रेडी कर लो और उसके बाद हम लोग जो है अच्छी तरीके से बढ़िया वाली प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की तो इस वजह से आ, दिले गए थे इसमें बट हाँ अब से हम लोग सिमेंटॉक सेशन को भी रेगुलरली कंडक्ट करेंगे क्योंकि गाइस से सेशन क्या है देखो वैसे मैं आपको बहुत सारे प्लान्स बताती हूँ मैं आपको बताती हूँ कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से डील करो हाउ कैन यू स्टडी इन अ बेटर वे ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं वहाँ मैं आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ बट यहाँ पर क्या हो जाता है ये ना बिल्कुल हमारा वन ऑन वन कॉन्वर्जेसन हो जाता है सिमरन टॉक सेशन आप मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह समझ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताती हो जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो या जो स्टूडेंट लाइफ में आप लोग डील करते हो मैं सारे कॉमेंट्स को रीड करती हूँ और उसके बाद हम अच्छे तरीके से बातचीत करके ना सारे स्ट्रेस को ना रिलीव करते हैं ठीक है तो अब से हम इस सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे सेवन टॉक सीरीज को और जो है आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने हैं तो सबसे पहली चीज मुझे आपको ये बतानी है कि शायद टेन स्टूडेंट्स ने वीडियो देख ली होगी अपनी अनाउंसमेंट की आज मैंने अनाउंसमेंट कराया था जिस चीज़ के ऊपर मैं बहुत दिनों से वर्क कर रही थी आप लोगों के रिवीजन बैच वीडियोस क्रिएट करने के लिए बिकॉज आई डेंट वांट के बीच में कोई भी ब्रेक लगी हमारा आई वांटेड कि अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहे तो आज मैंने जो है शाम को अनाउंस कर दिया था क्लास टेंथ स्टूडेंट्स का रिवीजन बैच जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आप लोगों को क्लास टेंथ की एस एंड इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ हर एक चैप्टर के बैक टू बैक डेली आपको जो है वीडियोज़ जो है मिलती रहेंगी और आपका टास्क क्या है कि आप डेफिनेटली उन वीडियो से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करो जहाँ मैंने चैप्टर की एक एक लाइन से जो प्रीवियस ईयर है सैम्पल से लेटेस्ट पैटर्न के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रिपेयर कर दी है ठीक है तभी मैं इतने दिनों से जो है मैंने सोचा था कि पहले एक बार Uh, सारा काम कंप्लीट कर लेती थी उसके बाद हम लोग जब पता अब तो इतना सही समय बचा है फिर सब चीज़ों को एक साथ करेंगे ठीक है तो अभी जो है टेंथ स्टूडेंट्स का तो रिविजन बैच मैंने अनाउंस कर दिया है तो उसमें काफ़ी सारे क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स ने कहा कि दीदी हमारा रिविजन बैच तो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स आप लोगों का भी दो सब्जेक्ट का रिविजन बैच जो है वो बिल्कुल अभी अनाउंस मैं कर दूँगी ठीक है अभी मैं रिवील नहीं करूँ कौन से सब्जेक्ट से होंगे वो आपको पता चल जाएगा ट्वेल्थ इंग्लिश का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर है और पॉलिटिकल जोग्राफी हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स हैं बट हाँ कुछ वीडियोस मुझे रिक्रिएट करनी है आप लोगों के लिए मीन वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिक्रिएट कर ही रहूंगी डिजिटल बोर्ड पर पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टूडेंट्स साथ ही के साथ आप लोगों को रिविजन बैच भी ऑन हो जाएगा कि कुछ चीजें आप पुरानी वीडियो से पढ़ना साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना एंड आपके एग्जाम से पहले आपको न्यू वीडियो भी मिल जाएंगी ठीक है तो ये तो हुआ मैं आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रही हूँ कि अच्छा ठीक है मैंने इस तरीके से अपने आने वाले कुछ मंथ्स को प्लान करा है कि हाँ इस तरीके से आई वांटेड कि मैं आप लोगों का सिलेबस कवर करवाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें स्ट्रेस भी ना ले ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहे तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों का कैसी चल रही है पढ़ाई मन लग रहा है पढ़ाई में अब अच्छे से देखो अभी तो हमने लास्ट फिफ्टीन डेज़ का दिसंबर का भी प्लान अपना डिस्कस कर ही लिया आपको पता है भैया भाई न्यू ईयर आने से पहले पहले ना न्यू ईयर पर हमें अच्छा ऐसा लगे कि हाँ भैया नया साल आया ज ए न्यू बिगनिंग तो पिछले साल का ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं रहेगा जब आपने इन आखिरी पंद्रह दिनों में ना काफी कुछ सिलेबस कवर कर लिया होगा तो उसके लिए हमने लास्ट फिफ्टीन डेज का चैलेंज डिस्कस करा था तो कितने स्टूडेंट्स ने आ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया कि दीदी हम चैलेंज ले रहे हैं नाम भी पढ़े थे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के वे सो मनी स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ आपने बताया कि दीदी वी आर टेकिंग दिस चैलेंज आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ भैया न्यू ईयर से पहले हमने एक चैलेंज लिया है न्यू ईयर वाले दिन हम इसको देखेंगे तो हमें समझ आएगा अच्छा ठीक है जब पंद्रह दिन में इतना कुछ कर सकते हैं तो अभी तो ये जो हमारे पास पूरे दो महीने हैं हमारे एग्जाम्स के लिए उसमें हम काफी कुछ कर लेंगे हम रेडी हो जाएंगे ठीक है कभी ना सा लगने लगता है जब ऐसा दिखता है और ये कुछ भी नहीं आता है तो अभी ये 15 डेज का जो बूस्टअप आप लोगों को मिलेगा ना अपने आप आपको इसका मैजिक दिखाई दे जाएगा ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक जिन जिन्होंने चैलेंज लिया है और अगर अभी भी कोई ऐसे जिन्होंने फिफ्टीन डेज का चैलेंज अभी तक नहीं लिया था कल वो वीडियो नहीं देखी थी तो कोई बात नहीं अब देख लो ठीक है अभी देख लो आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना उसको ऐसा मत सोचो लेट हो गए अरे अब आपका अगले बार से नहीं भैया अच्छा आप फिफ्टीन डेज चैलेंज को पांचवें दिन से शुरू कर लो बट एटलीस्ट शुरू करो ठीक है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के आपको बताया है उसमें तो चैलेंज वीडियो देख लेना जाके और लास्ट पर नॉट दिलीस यार एक बात पूछनी आप मन लग रहा है ना पढ़ाई में अच्छे से आपका अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया या अभी भी कुछ आती है पढ़ाई करते समय बातें या अभी भी ऐसा लगता है कि अरे कल पढ़ लेंगे प्रोकास्टिनेशन हो रहा है कुछ ऐसी कुछ बात है या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो कोई ओवर थिंकिंग करते हो किसी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वो फ्रेंड को लेकर भी हो सकती है वो किसी और बात को लेकर भी हो सकती है चाहे सिलेबस को रिलेटेड या कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना फील फ्री टू टेल मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट मुझे समझ में आए कि भैया आप तो राइट right ट्रैक पे आना है ना हमें पढ़ने के लिए तो अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम सब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसको बिल्कुल एंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब ये आखिरी दो महीने ही बचे हैं हमारे पास अभी पढ़ना है बिल्कुल टेंशन फ्री होके स्ट्रेस फ्री रेके एक बार बता रही हूँ आपको क्योंकि ये सेवन टॉक सेशन है तो यहाँ तो मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछती भी हूँ और आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने भी खुद फेस करी है ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में बताया uh, कभी कभी ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कैसे होगी पढ़ाई क्या होगा आम, बहुत अलग अलग टाइप की टेंशन क्रिएट हो जा रही है माइंड में आ जाएंगे मेरे मार्क्स नहीं आ जाएंगे तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ टेंशन बिल्कुल मत लो ठीक है कभी अगर टेंशन हो रही होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो दीदी हमें टेंशन हो रही है पढ़ाई को लेकर तो भाई पढ़े की ना टेंशन नहीं लेनी है बस आपको पढ़ना है ठीक है ऐसा हो जाता है हमारे साथ स्टूडेंट लाइफ में आई रिमेंबर मेरे साथ भी होता था कि हाँ तैयारी हो भी रखी है नहीं तैयारी हो रखी हो तो और ज़्यादा टेंशन होती है हम काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं कहीं स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है एग्जाम देने आपको बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या फाइनल एग्जाम दे रहे हो उसको एक चैलेंज की तरह लो उसको एक बैटल की तरह लो हाँ ठीक है भैया अब एग्जाम है पढ़ेंगे एक चीज़ ध्यान रखो अपने दिमाग में अगर आप पढ़ रहे हो ना तो मार्क्स जरूर आएंगे ठीक है अगर आप पढ़े हो तो मार्क्स ज़रूर आएंगे आपके तो जब आप टेंशन लेते हो ना किसी चीज़ों को लेकर तो ये सोचो भैया इसकी जगह से मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि अगर पढ़ोगे तो नंबर आएंगे और ज़्यादातर हमें टेंशन की किस बात की होती है यही होती है मार्क्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रहा तो हर एक उस टेंशन का हल्क है कि पढ़ने बैठ जाओ और जब कभी ऐसा लग रहा हो कि अरे कैसे करें स्टार्ट क्या ना करें तो मैं सिंपल चीज़ बता रही हूँ अपने माइंड को ना बिल्कुल क्लियर कर लिया करो अपने स्टडी रूम में जाओ स्टडी एरिया जहाँ पे भी क्रिएट कर रहा अगर आपका पर्सनल रूम नहीं है कोई एरिया नहीं है कहीं पर भी अपना एक स्टडी सेटअप बना लो मैं इतनी बार बताया है वहाँ जाके बैठो सबसे पहले जाके दो गाने सुनो अपने फेवरेट आने मैं हमेशा ऐसे करती हूँ अगर कभी बातें कुछ बहुत सारी बातें ना ओवर दिमाग में चल रही होती है तो सबसे पहले गाने चलाओ अपने दो सबसे फेवरेट वाले सॉन्ग सुनो जिसको सुन के आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो उससे क्या होगा वो जो इतनी सारी चीज़ों के ऊपर आप सोच रहे थे ना उसे दिमाग आपका गाने के लिरिक्स पे जाएगा डेफिनेटली ठीक है आप उस सॉन्ग के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ऐसे ही चिल करने लग जाओगे ठीक है फिर जब वो दो तीन गाने सुनिए जब आपको लग रहा है अच्छा ठीक है मैं रिलैक्स हो गया हूँ देन ब्रिंग योर नोटबुक्स कोई भी सब्जेक्ट की नोटबुक लेकर आओ एंड मैं कहूँगी इंग्लिश ले आना चलो ठीक है क्योंकि इंग्लिश की सारी वीडियोज मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है वीडियो से चैप्टर को पढ़ोगे है भी इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर कि आपको ऐसा लगेगा कोई स्टोरी टेलिंग चल रही है यू आर वो जैसे सीरीज देखते हैं ना वैसे ही हमारे चैप्टर सारे इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सबकी स्टोरी है टेन ट्वेल्थ नाइन्थ इलेवेंथ आप सभी की इंग्लिश की किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर देना नहीं तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी बुक लेकर आना सोचना दो तीन क्वेश्चन करता हूँ एंड जस्ट स्टार्टेड कभी कभी ना काफी चीजें हमारे दिमाग में जो है ना प्रेशराइज हो जाती हैं तो हम चीजों को ऐसे मुश्किल सा बना लेते हैं बट अगर अपने माइंड को पहले रिलैक्स करोगे देन स्टार्ट करोगे ना फिर सब सही रहेगा द थिंग इज आप अपने दो तीन फेवरेट सॉन्ग सुनना वो वाले सुन लेना जो बिल्कुल ना हाई बीट्स वाले बिल्कुल आपको बूस्टअप कर दे आपको रिचार्ज कर दे कुछ तो होंगे दो तीन ऐसे सॉन्ग जो फेवरेट जिसको सुन के तुम बिल्कुल ही ऐसा प्रो फॉर्म में आ जाते हो है ना तो वैसे वाले अपने दो फेवरेट वाले सॉन्ग सुनना जब ऐसा लग रहा है अरे क्या करें क्या ना करें दो फेवरेट सॉन्ग सुनना बिल्कुल बूस्ट अप रिचार्ज कर लेना अपने आपको एंड देन स्टार्ट स्टडिंग तो लॉजिक क्या है हमारा मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी कि भैया जब हम जा रहे होते हैं ना घूमने कहीं जाते है, तो हैं तो गाड़ी में जाने हो तो गाने चलाएंगे अच्छे तरीके से फिर घूमने जा रहे हैं खुश होते हैं है, हैप्पी होते हैं और कभी कभी पार्टी में जाना होता है कहीं तो, तो भी हम बड़े खुश होते हैं हैप्पी है, होते हैं प्लानिंग करे होते हैं अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा कभी ट्रिप पे जाते हो तो पहले दो दिन पहले प्लानिंग प्रिपरेशन चलती रहती है और यू आर हैप्पी तो भाई ये तो हमारे बोर्ड एग्जाम है यहां अगर आप पढ़ोगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे तो तो आप बहुत प्राउड भी होगे खुद पे आपकी फैमिली भी प्राउड होगी विल बी वेरी वे हैप्पी आल्सो तो, तो इसकी भी जो जर्नी होगी ना हमारी तो ये जो जर्नी है बोर्ड एग्जाम की इसको भी हैप्पी होके एंजॉय करके करना है टेंस होके नहीं करना है अरे हाँ पढ़ाई करनी है टेंशन में आगे पढ़ा है आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग टेंशन में आगे पढ़ाई करना नहीं हैप्पी होके कूल वाइब्स के साथ चिल वाइब्स के साथ पढ़ाई करनी है हैप्पी रहकर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए जब कभी ऐसा मूड ऑफ हो लिसन टू म्यूजिक लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स इस चीज़ को मैंने तो कई बार करती हूँ मैं तो पहले पढ़ते हुए भी गाने सुनती रहती हूँ बट वो कब करती हूँ जैसे कभी नोट मेकिंग करनी हो जिससे मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं आप लोगों के लिए कितने रजिस्टर्स हैं मेरे पास जिसमें मैं अभी भी आप लोगों के चैप्टर्स के नोट्स मेकिंग करती रहती हूं और जो है पहले भी जब मैं नोट्स बनाती हूं ना तब मैं गाने सुन लेती हूं या फिर अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर रही हूं तब गाने सुन लेती हूँ बट कभी भी लर्निंग या रीडिंग या एक्सप्लेनेशन समझते हुए तब नहीं सुनने और अगर आप गाने भी कोई सुन रहे हो तो आप बिना लिरिक्स वाले सुन सकते हो मतलब जिसमें बीट ज़्यादा हो या डिफरेंट लैंग्वेज के सुन लीजिए कि अच्छा ठीक है अब आपके लिरिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है अदरवाइज दो तीन सुनो जब रिलैक्स हो जाओ चलो जाओ फिर पढ़ लो फिर ब्रेक टाइम में फिर दो तीन गाने सुन लो इस तरीके से आपका माइंड रिलैक्स भी हो जाएगा पढ़ाई भी बढ़िया होती रहेगी अब लास्ट बन दीज आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर प्री बोर्ड एग्जाम्स प्री बोर्ड एग्जाम्स में आई होप आपने अच्छा परफॉर्म करा हो अब अगर प्री बोर्ड एंड हो चुके हैं तो प्री बोर्ड को भूल जाओ और आगे लास्ट फिफ्टीन डेज का जो चैलेंज हमने लिया है उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो लास्ट फिफ्टीन डेज की वीडियो देख लो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेस कर दिया टेंथ और ट्वेल्थ को चैलेंज दिया है प्रॉपर किस तरीके से आप लास्ट फिफ्टीन डेज को यूजफुल बना सकते हो बाय फॉलोइंग दैट चैलेंज तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना अगर आपका प्री बोर्ड टू स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस अपने प्री बोर्ड की डेट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपका प्री बोर्ड टू अभी लास्ट फिफ्टी डेज ऑफ दिसंबर में ही स्टार्ट है क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है कि अगर मैं देखती हूँ किसी टें के स्टूडेंट का ट्वेल्थ के स्टूडेंट का प्री बोर्ड एग्जाम है तो मुझे समझ में आ जाता है अच्छा टेन के स्टूडेंट को प्री बोर्ड है तो ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड होगी रिविजन क्वेश्चन की नीड होगी रिविजन बैच की नीड होगी या रिविजन किसी चैप्टर की नीड होगी तो मैं वो वीडियो क्रिएट कर दूंगी आप लोगों के लिए तो जब भी आपको प्री बोर्ड होता है तो प्लीज ऑन द कॉमेंट

आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट्स एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट के मैंने स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट गिवन है बाकी सभी टेंथ 9th 11th ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स की और अब सर नहीं चलाते हो तो चैप्टर्स के पिन कमेंट में जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हो तो मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर